हाय, आई एम किरण शापुरी एंड ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए रेडीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं टू ऑफ कप्स एंड एक्सेलरेटेड मोशन। और देखिए, टू ऑफ कप्स का कार्ड कहीं कंपेनियनशिप और टुगेदरनेस की बात करता है, और ये कार्ड आप लोगों के लिए इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है। तो देखिए, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से बहुत एक कोऑपरेटिव, बहुत एक सपोर्टिव एनर्जी रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं हो सकता है कि उनके साथ अपनी बॉन्डिंग भी बेटर करने पे आप फोकस कर रहे हैं, या फिर उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई खास इंसान है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या जिनके साथ आपकी बहुत इंटरैक्शंस हो रही हैं, बहुत कम्युनिकेशन हो रहा है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड कहता है कि एक स्पीड भी आपके वर्क फ्रंट में आ रही है, यानी कि पीछे अगर चीजें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। नहीं तो इन जनरल भी, फिर से मैं कहूंगी, एक मूवमेंट आती हुई दिख रही है, एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई काम आप कर रहे हैं जिससे रिलेटेड आपकी डेडलाइन नजदीक आ रही है और आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ रहा है, या फिर आप खुद से ही बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस डीपर लेवल के लिए अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इसी से ही रिलेटेड किसी खास इंसान से आप मिल रहे हैं, या फिर किसी से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी की तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज हैं। तो देखिए, ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ये वीक ठीक ठाक, यानी कि अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड चूज वाइजली के कार्ड्स हैं। और देखिए, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं फियर की बात करता है, इनसिक्योरिटीज की बात करता है, और हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी लाइफ के एरिया के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप ढंग से रात को सो नहीं पा रहे हैं। और देखिए एरीज, जब भी हम ओवरथिंक करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर सोचते हैं, तभी हम परेशान भी होते हैं। ये ओवरथिंकिंग और हैप्पीनेस दो तलवारें हैं जो एक म्यान में रह ही नहीं सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने थॉट्स की चेकिंग करें और इन एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है ना, जब इस स्टेट ऑफ माइंड में हम बहुत टाइम तक रहते हैं तो इन्हीं एनर्जीज में बहुत डीप हम चले जाते हैं, और फिर एक परेशानी भी हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। और मैंने हमेशा आपको कहा भी है, इस वीक भी आपको कहूँगी कि ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बाहर निकलने का बेस्ट तरीका होता है, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें और उन थॉट्स को आप क्वेश्चन करें, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करें, और ज़रूरत पड़े तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आप फॉलो करें, या फिर कोई भी इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, उनसे ज़रूर आप कनेक्ट करें, उनसे ज़रूर आप बात करें। और देखिए, इस वीक ओवर थिंकिंग के सबके लिए डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन नाइन ऑफ सोर्ड्स के नीचे चूज वाइजली का कार्ड कहता है कि शायद आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है,
और आप डिसीजन और चॉइस नहीं ले पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, यहाँ पे भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन मैं कहूँगी आप परेशान हो रहे हैं, आप कहीं अगेन ओवरथिंक कर रहे हैं, एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि पीछे हो सकता है किसी चीज को लेकर आपने काफी एफर्ट किया या फिर किसी चीज को आपने बहुत चाहा, उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटकम ओवरऑल इस वीक में आप लोगों के लिए रह सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, और कहीं देखिए इस ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है कि उस आउटकम को आप उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जो भी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में हैं आप उन पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि अगेन जो भी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं, जो भी पॉजिटिव आउटकम पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, आप उनको इंजॉय करें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। क्योंकि कितनी बार ही होता है ना, जब अच्छी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं हम यकीन ही नहीं कर पाते और हमें ऐसे लगता है पता नहीं हम डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए अपने ऊपर अगेन मैं कहूँगी कॉन्फिडेंस रखें और अच्छी चीज़ों को अगर आप अच्छे से इंजॉय करेंगे, उन पे फोकस करेंगे, तो एक शिफ्ट आप अपनी एनर्जीज में लेकर आएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं और फ्राइडे का दिन इस वीक आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।